अगर देखा जाए तो किसी भी रेसिपी में मिठास घोलने के लिए सामान्य रूप से हर जगह चीनी का इस्तेमाल किया जाता है और इन मीठी रेसिपीज को बहुत स्वाद के लेकर खाया जाता है। लेकिन इस स्वाद का आनंद लेते लेते हम ये भूल रहे होते हैं कि चीनी की ये मिठास धीरे धीरे हमारे शरीर में धीमा जहर घुल रही है, जिसकी कड़वाहट का सामना कुछ वक्त बाद बीमारियों के रूप में हो ही जाएगा। क्योंकि आपने ये भी जरूर सुना होगा कि चीनी सफ़ेद जहर होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार मिठास से भरी चीनी को सफ़ेद जहर कहे जाने का कारण क्या है, ताकि हम भी अपनी सेहत से कोई भी खिलवाड़ होने से रोक सकें। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि चीनी को सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चीनी में न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है और कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ज़्यादा चीनी खाने के आदि लोगों में मोटापे की समस्या होने लगती है, जो अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आती है, जिनमें डायबिटीज भी शामिल है, जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा असंतुलित होने के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा ज़्यादा चीनी का सेवन करने वाले लोगों के ब्लड में एसिड बढ़ जाता है, जिससे स्किन का हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं, जैसे स्किन पर समय से पहले झुर्रियाँ आने लगती हैं और स्किन पर बुढ़ापे के संकेत साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। साथ ही चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, जिससे हाई बीपी और हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि चीनी का पाचन करने के लिए आवश्यक कैल्शियम हड्डियों और दांतों से लिया जाता है, जिससे हड्डियों में फॉस्फोरस और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ जाता है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी रोग पनपने लगते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से चीनी को सफ़ेद जहर कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे शरीर में न जाने कितनी बीमारियाँ घर कर जाती हैं। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।